Today, we are going to read A Visit to Cambridge. Short summary of this lesson, and this is for class 8. This is the story of a meeting between two disabled people. तो दिव्यांग के बीच में जो मीटिंग हुई है उसकी कहानी है ये. बोथ फेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन देयर फील्ड्स. वैसे तो दोनों ही अपने अपने फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, असाधारण प्रतिभा के धनी थे. स्टीफन हॉकिंग इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, दो ही सफर्स फ्रॉम पैरालिसिस. स्टीफन हॉकिंस का नाम आपने सुना है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं हमारे टाइम में, और उन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ा था. सो ही इज़ कन्फाइंड टू ए व्हील चेयर एंड ही कैन स्पीक ओनली विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर. इसीलिए वो व्हील चेयर के सहारे ही बैठते थे, व्हील चेयर पर बैठा करते थे, और ही कैन स्पीक ओनली विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर. वो कंप्यूटर की मदद से ही कुछ बोल पाते हैं. फिरदौस कांगा द राइटर एंड जर्नलिस्ट फ्रॉम मुंबई वॉज बॉर्न विद वेरी वीक एंड ईजिली ब्रेकेबल बोन्स. फिरदौस कांगा जो हैं, जो राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो कि उनका इंटरव्यू लेने के लिए गए हुए हैं, उन्हें भी बचपन से एक प्रॉब्लम है, उनकी बोन्स जो हैं वो ब्रेकेबल हैं, इजीली ब्रेकेबल हैं. ही टू मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, सो दे बोथ यूज्ड व्हील चेयर्स, राइट. ही मीट्स हॉकिंग्स इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में वो मिलते हैं हॉकिंग्स से. द टू हैड डिस्कस्ड हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल शुड लुक एट द डिसेबल्ड. और दोनों के बीच में एक बात पे चर्चा होती है कि कैसे नॉर्मल पीपल जो हैं वो डिसेबल्ड के बारे में क्या सोचते हैं. द राइटर फिरदौस वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज टू यूके. जो राइटर फिरदौस हैं वो एक टूर पे आए हुए हैं यूके. हिज गाइड टोल्ड हिम अबाउट स्टीफन हॉकिंस हु वॉज ऑक्यूपाइंग न्यूटन्स चेयर एट द यूनिवर्सिटी. और उनके जो गाइड हैं उन्होंने ही उन्हें हॉकिंग्स के बारे में बताया. बट हॉकिंग वॉज ए डिसेबल्ड फेलो. लेकिन ये भी कि हॉकिंग्स जो हैं वो एक दिव्यांग हैं. ही रोट ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बेस्ट सेलर. वैसे उनकी एक बुक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि बेस्ट सेलर रह चुकी है. सो फिरदौस फोन्ड हॉकिंग दैट ही वॉज फ्रॉम इंडिया एंड वॉन्टेड टू मीट हिम एंड राइट अबाउट हिज ट्रेवल्स इन ब्रिटेन. और इस तरह से क्या होता है, जो फिरदौस कांगा है वो उनके घर पे फ़ोन करते हैं और उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं. हॉकिंग्स एग्रीड टू सी हिम फॉर हाफ एन आवर. और हॉकिंग ने भी आधा घंटे का टाइम दे दिया उन्हें. द थॉट ऑफ मीटिंग समबडी लाइक हिम इन ए व्हील चेयर गेव फिरदौस करेज. और फिरदौस के भी मन में बहुत ही साहस हुआ जब उन्हें ये पता चला कि उनकी मीटिंग एक ऐसे इंसान के साथ हो रही है जो उन्हीं के जैसे दिव्यांग हैं. बोथ ऑफ देम वेयर डिसेबल्ड, देयर बॉडीज वेयर डिसइंटीग्रेटिंग. हॉकिंग हैड ए लिटिल स्विच इन हिज हैंड, ही वॉज एबल टू मूव हिज फिंगर टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर. हॉकिंग के हाथ में एक छोटा सा स्विच है और उससे वो क्या करते हैं, वर्ड्स को ढूंढते हैं कंप्यूटर पे, और टेक्स्ट जो है कंप्यूटर टेक्स्ट को वॉइस में तब्दील कर देता है. सो ही फेल्ट एग्जॉस्टेड वेरी ऑफन. और इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि वो थक जाते हैं. बट हिज माइंड वॉज ब्रिलियंट एंड बबलिंग विद थाट्स. लेकिन उनके मन में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं और वो बहुत ही ब्रिलियंट हैं. सो फिरदौस रिमार्क दैट पीपल ऑफन थाट दैट डिसेबल्ड पीपल वर अनहैप्पी पीपल. फिरदौस ये भी कहते हैं उनसे कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी ऐसी सोच है कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं वो